कार्बोक्सिलिक जो एसिड आपके कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर सी ओ ओ एच ग्रुप होता है ऐसे कंपाउंडों की अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करके देखें देखो आपके सामने हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं यहाँ पे ये यह हमने कोई भी कंपाउंड लिखा आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड इस कंपाउंड के अंदर जो टोटल आपको बॉन्ड दिख रहे हैं वो कौन कौन से बॉन्ड दिख रहे हैं देखो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि सी और ओ एच के बीच का देखो ये बॉन्ड है हो सकता है इस बॉन्ड की क्लीवेज हो जाए तो पॉइंट नंबर वन हम उन रिएक्शन को रीड आउट करेंगे जिसके अंदर सी और ओ OH एच के बीच की बॉन्ड क्लीवेज होती हो नेक्स्ट आपकी वो रिएक्शन भी हो सकती है OH cleavage, और OH का, के बीच में जो आपका बॉन्ड है यहाँ पे इस बॉन्ड की क्लीवेज हो जाए आपके अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी यहाँ पे दिख रहा है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर लेकिन आप ये जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है इसके पास दो दो लोन पेयर होते हैं

तो एक बोन्ड तोड़ना जरूरी तो वो टूटेगा कौन सा ये पाई बोन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा तो मीन आपके ये जो पेयर है इन्वॉल्व हो गया आपके रेजोनेंस के अंदर जिसकी वजह से कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप नहीं रहेगा देखो रेजोनेंस चलने की वजह से ये आर, सी, ये जो सिंगल बॉन्ड था इधर ये आपका देखो डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से और जो और जो डबल बॉन्ड था कार्बोनिल ग्रुप वो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ये हमने ऊपर दिखा दिए एक ऑक्सीजन ने अपना लिया और एक कार्बन का लिया जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे देखो नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे तो वो कार्बोनिल ग्रुप वहां पे रहा ही नहीं तो जिसकी वजह से ये कार्बोनिल ग्रुप वाली रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड शो नहीं कर पाता जो कार्बोनिल ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक ड्यू टू तो रेजोनेंस अब ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है आपकी किस वजह से रेजोनेंस की वजह से देखो जैसे हमने ये बताया आपके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर था और ये नीचे हमने आपको शो किया क्लियर हो गया आपके नेक्स्ट हम देखते हैं कि पूरा जो आपके कंपाउंड है इसके अंदर कंप्लीट जो कार्बोक्सलिक एसिड ग्रुप देखो ये कंप्लीट इस पूरे ग्रुप की ही इन्वॉल्वमेंट हो जाए ऐसी तो आपने क्या देखा कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस स्ट्रक्चर को देखते हुए जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हो जानी चाहिए उसके अंदर वो कौन कौन सी है एक तो सी और ओ OH के बीच की बॉन्ड क्लीवेज हो जाए ओ और एच के बीच की बॉन्ड क्लीवेज हो जाए कार्बोनिल ग्रुप के अंदर रिएक्शन हो जाए वहां पे क्लीवेज हो जाए या या कार्बो या जो आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है खुद उनकी फुल इन्वॉल्वमेंट हो जाए वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाए तो आउट ऑफ दिस डिफरेंट रिएक्शन प्रेजेंटली वी विल स्टडी अबाउट ओनली द टू टाइप ऑफ रिएक्शंस वन इज द रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स द ओएच बॉन्ड क्लीवेज अदर रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द कंप्लीटली सीओएच ग्रुप जिसमें पूरा सी एच ग्रुप ही इन्वॉल्व हो जाए पूरी रिएक्शन के अंदर देखो अब हम सबसे पहले कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रा कर लेते हैं टू कार्बन हमने ये एसिड लिया जिसे आप कहते हैं एसिटिक एसिड क्या कहते कहते हैं हैं आप आप इसे क्योंकि को ग्रुप सो कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड और आई यूपीएससी नेम लिखे तो इसका कंपाउंड के अंदर आपको दो कार्बन दिख रहे हैं एक रेड कलर से एक आपको पिंक कलर से देखो दिख रहा है तो ये प्रिंसिपल चेन हो गई तो दो कार्बन तो इथ सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो आपको क्या दिख रहा है बोलो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे एन लिख दिया और सी एच के लिए ओइक एसिड यूज करते हैं सो द एसिड ये तो कॉमन चीजें आपको पहले सिखाई जा चुकी है अब हम देखेंगे इनकी मेन रिएक्शन तो अगर हम अब ध्यान से देखें अगर हम इसमें डाल दें सोडियम का पीस अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है देखो अगर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लें देखो इस टाइप से लैब में आप चले गए और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड लेके और स्मॉल पीस देखो स्मॉल पीस बिल्कुल स्मॉल पीस आप सोडियम का डाल दें तो क्या होगा तो जैसे ही आप सोडियम का स्मॉल पीस डालते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर देखो इलेवन होता है हर चीज यूनिवर्स में बोलो क्या होना अच्छा चाहती तो है सोडियम 11 है तो बन जाएगा. जो होगा इसको देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो ओ नेगेटिव होता है और एच बोलो क्या होता है ये पॉजिटिव देखो जैसे हमने शो कर रखा है तो ये जो एच पॉजिटिव है ये क्या करेगा ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और गेन करके क्या बन जाएगा H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन H बन जाएंगे देखो ऐसे ये एच जो बने ये एच और एच आपस में मिलकर क्या बना देंगे हाइड्रोजन गैस और जैसे ही ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड था इसमें देखो हमने ये सोडियम पीसी इसमें डाला डालते साथ ही साथ यही रिएक्शन हुई और जो ये रिएक्शन हुई तो ये बबल्स की फॉर्म में देखो बाहर निकलती है बोलो क्या निकलती है बबल्स की फॉर्म में कौन सी गैस बाहर निकली बोलो हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाती है तो द इवोल्यूशन ऑफ बबल्स जो आपके बबल्स का इवोल्यूशन हो रहा है या एफरवे आते हैं जो झाग उठेंगे इसके अंदर वो ये शो करते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई और हाइड्रोजन गैस कब इवोल्व होगी जब आपके जो एसिड है ये एच पॉजिटिव दे दे क्योंकि ये एच पॉजिटिव देगा तभी तो जो सोडियम लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एच एच गैस बनेगी, तो ये इसके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लेन सोडियम के द्वारा तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर स्मॉल पीस ऑफ सोडियम डाल देते हैं तो जो इवोल्यूशन है हाइड्रोजन गैस की ये ये रिप्रेजेंट करती है कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है इनका नेचर एसिडिक होता है इनका नेचर बोलो कैसा होता है एसिडिक तो कोई इनका नेचर कैसा हो गया बोलो एसिडिक तो एग्जाम में आपके आ, आ सकता है गिव केमिकल टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडिक नेचर तो आप यही रिएक्शन यहाँ पे लिख के शो कर देते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगर हम एन ए की बजाय एन एच डाल दे तो क्या होगा NH डाल दे तो क्या होगा तो देखो आपकी रिएक्शन जब चलती है तो सोल्ट बन जाएगा आपकी हाइड्रोजन गैस तो सोडियम इथेनोइट कहेंगे इसको क्या कहेंगे आप इसे सोडियम इथेनोइट क्लियर हो गया अगर हम एन एच डाल दें तो क्या होगा तो देखो बड़ी सिंपल सी बात अगर आप एनएच डाल दे तो क्या होगा वही दो पार्ट होते हैं एनएच के अंदर बोलो कौन से दो पार्ट होते हैं एन ए तो पॉजिटिव होता है और ओ एच वोलो क्या होता है नेगेटिव एन ने नेगेटिव एन पॉजिटिव और तो उससे क्या होगा कि आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड में ओ नेगेटिव होता है एच पॉजिटिव होता है तो एन का ओ नेगेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड के एच पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना दिया देखो वाटर बन गया तो उसी टाइप से सोडियम इथेनाइट आपका सोल्ट बन गया अगर हम इसमें सोडियम बाई कार्बोनेट डाल दे एनएच ये आपका लेबोरेटरी टेस्ट है ये आप लैब के अंदर करते हैं किस लिए करते हैं कि ये पता लगाने के लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है ये सीओ एच ग्रुप किसी कंपाउंड में है या नहीं मान लीजिए आपके पास कोई अननोन कंपाउंड दे दिया जाए तो आप वही काम करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे आप टेस्ट ट्यूब लेके उसके अंदर आप बाहर से बोलो क्या डाल देंगे हाँ पे NHCO3 डाल देंगे इसमें सोडियम बाई कारोनेट आप बाहर से एड कर देंगे और जैसे ही सोडियम बाई कारोनेट आप बाहर से एड करेंगे किसके अंदर इस कंपाउंड के अंदर बोलो किसका सोल्यूशन आपने पहले से ले रखा है आपने सोल्यूशन पहले से ले रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड का तो जैसे आप डालेंगे इसके अंदर उसी टाइप से ब्रिस्क एफरवे आती है देखो ऐसे बुलबुले उठते हैं तो कौन सी गैस होती है दैट द इवोल्यूशन ऑफ सीओ टू गैस सीओ टू गैस बाहर आपकी निकल जाती है तो इवोल्यूशन ऑफ द सीओ टू गैस ऑन एडिशन ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट इन द सोलूशन ऑफ कार्बोक्सलिक एसिड शोज दैट द कार्बोक्सलिक एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट इन द गिवन अननोन कंपाउंड हमें नहीं पता था कि जो ये न, जो ये कंपाउंड था ये नीचे जो हमने ले रखा था ये तो देखो आपके अननोन कंपाउंड होता है ये तो बोलो कैसा कंपाउंड था हमारे अननोन कंपाउंड तो जो अननोन कंपाउंड अगर कभी दे दिया जाए और ये पता लगाना हो कि उस अननोन कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है या नहीं तो आप ये करते हैं अननोन कंपाउंड लेते हैं उसके अंदर अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डालते हैं उस शेक करते हैं कंपाउंड को डिजोल्व कर लेते हैं फिर बाहर से आप सोडियम बाइकार्बोनेट इधर इन फॉर्म ऑफ पिंच में डाल सकते हैं बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन बना के वो सोल्यूशन तो तो है इस वजह से आते हैं और वो शो करता है कि कार्बोक्सोलिक एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा है इस टेस्ट होता हुआ देखो ये टेस्ट ट्यूब हमने ले रखी थी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बोलो क्या डाला देखो जैसे ही हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला आपको देखो ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आते हुए दिख रहे हैं देखो कितनी तेजी से देखो झाग आ रहे हैं इसको कहते हैं ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब तेजी से एफरवेसेंसेस का मतलब जो झाग आ रहे हैं ये किस लिए आ रहे हैं बोलो ऐसे CO2 क्योंकि सीओ टू गैस आपकी इवोल्व हो रही है क्लियर हो गया सो द द्रिस्क कमिंग देयर ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ द सीओ टू गैस विच शोज दैट देयर इज द ग्रुप इन द गिवन अननोन कंपाउंड क्लियर हो गया इसके बाद अब हम अगला टेस्ट करते हैं कि आपके पास ये सोल्ट तो बन गया अगर हम फर्दर एनएच NAH डाल दें इसके अंदर इन प्रेजेंस ऑफ सी ए तो क्या करता है जो जो NAH और ये सोडियम है है इसको आपस में करने का काम करता है। तो देखो होगा क्या साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे देखो एन ए टू सीओ थ्री देखो ये निकल जाएगा यहाँ से इस कंपाउंड के अंदर से देखो ऐसे एनए टू सीओ थ्री एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पे एन ए टू CO3, ये निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट तो बोलो क्या बच गया यहाँ पे सिर्फ एच बच गया तो सी एस थ्री के साथ एच लग गया बोलो क्या बन गया आपका मीथेन बन गया मिस आपके अगर कन्वर्जन आ जाए एग्जाम में कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन कन्वर्ट मिथेन एसिड इनटू मीथेन तो आपने क्या किया देखो आप वहां पे सोडियम वगैरह नहीं डालते आप ये डालते देखो एनओ एच एन ओ एच डालते, NH डालते NH तो एनएएच डालेंगे पहली स्टेप के अंदर तो क्या बनेगा आपका सोल्ट सोडियम फिर दोबारा से एनए आपने क्योंकि एक्सेस में डाल रखा है दोबारा से रिएक्ट करेगा बोलो क्या निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट तो एन ए टू सीओ थ्री और आपके आपके मिथेन बन गया यहाँ पे जब आप इसको याद करते हैं तो ऐसे याद करते हैं कि कोई भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सलिक्रुप हैच है, है बच गया एच सी एच थ्री के साथ लग गया बोलो क्या बन गया आपका सी एच फोर या दूसरे शब्दों में सीओ एच ग्रुप को हटाना हो और एच लगाना हो डायरेक्टली तो आप क्या करेंगे आप डालेंगे एन ए एच में सीओ हीट कर देंगे तो इस टेप से डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है आपकी अब हम देखते हैं रिएक्शन इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे हम बाद में तो ये जो कोल्ब मेकेलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होती है इस रिएक्शन के अंदर हमेशा ही फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हम कंपाउंड लेते हैं जो हमारे पास होना चाहिए वो होना चाहिए क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलाइटिक एक ऐसी प्रोसेस होती है जो चलती कब है जब आप एक कंटेनर के अंदर जो आपके पास सब्सटांस हो वो इलेक्ट्रोलाइट हो जो आइनों में टूट सके तो इसलिए जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है ये तो एक वीक एसिड आप सभी जानते हैं इसलिए सबसे पहले हमने इसमें डाला एनएच ताकि ये सोल्ट बन जाए क्योंकि जो सोल्ट है ये सोडियम इथेनोट इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये अच्छे से ब्रेक हो जाएगा एंस के अंदर सो दैट इज़ द रीजन कि हम जो करंट पास करते हैं वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्यों नहीं करते क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो एक वीक एसिड है उसको पहले हम एनएएच so, डाल के, उसको सोल्ट में एक बी पास हम एक कंटेनर लेके उसमें दो इलेक्ट्रोन डाल के बैटरी जोड़ के हम करंट पास करते हैं और अपनी इस प्रोसेस को चलाते हैं होता क्या है जो सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनोइ हमने ले रखा है यहाँ पे इसके देखो दो मोल यूज होंगे देखो ऐसे टू मोल्स मैके हम बाद में देखेंगे इन्हें शॉर्ट हम बता दें कि जो कार्बोन ग्रुप के साथ वाला देखो जो कार्बन होता है जिसमें देखो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे यहाँ पे

तो आपने देखा कि अगर एग्जाम में आ जाए कि कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू किसके अंदर बोलो इथेन के अंदर वो था इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन हमने पहले क्या बनाया था इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन तो उसमें आप कुछ नहीं करते आप सीओ डालते हो डीकार्बोक्सिलेशन ही हो जाती है अगर आपको इथेनोइक एसिड को इथेन में कन्वर्ट करना है तो पहले आप डालते हैं एनओ एच का वन मोल डालेंगे आप यहाँ पे उसको सोल्ट में कन्वर्ट करेंगे सोल्ट में कन्वर्ट करने, करने के बाद उसमें से आप क्या करेंगे करंट पास करेंगे कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करेंगे आप तो जिससे आपका क्या बन जाएगा इथेन इथेन को आप किसी और तरीके से बना सकते हैं कि क्या डाल दे आप इसमें एच आई ओब्लिक में रेड फॉस्फरस अगर आप ये रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं एच आई ओब्लिक में रेड फॉस्फरस तो आपके क्या होगा यहाँ पे उसी टाइप से कौन बन जाएंगे एल्केन देखो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है देखो ये यह यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो यहाँ से भी देखो इसकी क्लीवेज होगी ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं तो ऊपर क्या लग जाएंगे दो देखो इस टाइप से एच आएंगे नीचे भी दो क्या आएंगे बोलो इधर भी देखो दो एच आएंगे सीएच के सी और ओ एच के बीच में देखो ये बॉन्ड था देखो यहाँ पे देखो ऐसे तो एक एच इधर आएगा एक एच इधर आ जाएगा तो क्या होगा ओवरऑल आपके एक कार्बन के ऊपर चारों तरफ एच लग गए क्या लग गए एच ये समझाने के लिए सिर्फ हमने बताया है रिडक्शन इस टाइप से होगा इसका तो ये थी आपकी रिएक्शन इथेनोइक एसिड की जिसमें आपने अब आप रिडक्शन किया आपने इथेन किया इथेन को प्रिपेयर किया तो इथेनोइक एसिड को इथेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं देयर आर टू पाथ इधर आप एच आईओब्लिक में रेड फॉस्फोरस डाल के हीट कर दें तो भी आपके इथेन बन जाएगा या आप पहले वनमोल एनो एच का डालें और फिर क्या बन जाए आपके पास सोल्ट और फिर आप कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन कर दें तो जिसके आपके पास क्या मिल जाएगा आपको इथेन मिल जाएगा आपको ओपटेन आप कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं इसी टाइप से जैसे आपने एनओएएच डाला क्योंकि एनओएच य बेस और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं एसिड ये क्या है ये आपका ये आपका एसिडिक नेचर है इसका एसिड है ये एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन चलती है तो क्या बनता है पहले सोल्ट ही बनता है हमेशा वाटर लॉस हो जाता है ऐसे ही अगर हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड डाल दें मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का देखो क्या मतलब होता है देखो अगर हमारे पास Ag2O और ये मॉइस्ट हो जाए मीन्स ये ड्राई सिल्वर ऑक्साइड अगर हम इसमें देखो वाटर डाल देते हैं देखो ऐसे H2O देखो हमने वाटर डाल दिया तो क्या हुआ तो आपके सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाता है देखो Ag 2 हो गए देखो इसके आगे हम 2 लिख देते हैं यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AGOH बन जाता है यहाँ पे 2 AG हो गए 2 O हो गए और 2 H हो गए तो मींस AGOH जो हमें प्रोड्यूस हुआ मिलता है वो कैसे बनता है अभी हमने आपको सिखाया कि आप ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं और उसको मॉइस्ट फॉर्म में ले लें ले, तो उसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड कहते हैं रिएक्शन उसी टाइप से चलेगी कि AG तो देखो पॉजिटिव होता है यहाँ पे

और जो ये बी आर टू है हमारा इसके अंदर से एक बी आर को ये ले जाएगा देखो वन बी आर को तो ए जी बी आर तो बच गया एक बी आर जो एक बी आर बच गया वो किसके साथ अटैच हो जाएगा सी एस थ्री के साथ तो प्रोडक्ट क्या बना सी एस थ्री बी आर

नेक्स्ट हम देखते हैं अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दे तो क्या हो देखो ये सारी रिएक्शन आपकी वही चल रही है एसिड बेस रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट में तो क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन क्यों है क्योंकि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है और इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर हम डाल रहे हैं हमारा बेस एक बार एन डाला देखो यहाँ पे अब ये भी आपके देखो ये बेस एजीएच डाल दिया अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है देखो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है देखो ये अगर हमने कैल्शियम लिख दिया यहाँ पे और कैल्शियम के ऊपर बोलो कितने बोलो यहाँ पे टू देखो हमने शो किए देखो ये ऐसा हमने क्यों लिखा ऐसा इसलिए लिखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर दो दो ओ OH एच होते हैं वो देखो ओ एच नेगेटिव होगा ओ OH के हो एच हो तो OH है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो देखो एक ही था वो नेगेटिव एच पॉजिटिव तो क्या करें देखो ऐसे एस ऐसे हम दो मोल ले लेंगे बोलो कितने मोल ले लेंगे इस टाइप से देखो ये सी एस थ्री और ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ नेगेटिव और बोलो क्या होगा एच

और देखो दो मोल लिए थे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के सीएस थ्री सी ओ ओओ देखो ये नेगेटिव है देखो यहाँ पे और ये भी सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव है टू नेगेटिव है तो देखो न्यूट्रलाइज हो गया तो कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया बोलो क्या बन गया ये कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो इस टाइप से आप समझ पाए अभी तक सिंपल रिएक्शन हमने देखी है जो एसिड बेस रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है इनके बेसिस के के ऊपर देखो कई तरह कन्वर्जन या आपके बन सकते हैं अब ये जो कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम इसके ड्राई डिस्टिलेशन कर दें सिर्फ हीट कर दें तो देखो होगा क्या अगर हम सीधा इसको हीट कर दें अब डायरेक्ट कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को तो देखो क्या हुआ इसमें से क्या निकल जाएगा देखो ये निकल गया हमारा CaCO3 क्या निकल जाएगा बोलो CaCO3 अब हुआ क्या इसमें देखो कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सीजन देखो यहाँ का बॉन्ड क्लीवेज हो गया यहाँ पे सी एस थ्री में देखो कार्बन कार्बन का बोन्ड क्लीवेज हो गया रिएक्शन किसको कहते हैं जिसमें पुराने बोन्ड टूट जाए और नए बोड बन जाए तो नया बोन्ड देखो किसके बीच बनेगा नया बोन्ड बनेगा यहाँ पे सी और सी के बीच देखो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और सी एस थ्री के बीच में तो आपके इस तरह से किटोन्स बन गए क्या बन गए बोलो

जैसे आपने एन डाला तो क्या बना सोडियम सोल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का बन गया था सिल्वर हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या बना सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या बना कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डाला ये जितने भी सोल्ट होते हैं अगर हम इसमें डाल दे कोई भी मिनरल एसिड क्या डाल दे बोलो एनी ऑफ द मिनरल एसिड मिनरल एसिड कौन से है जैसे एच सी एल एच टू एस ओ फोर एच एन ओ थ्री कोई भी डाल दे तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं क्योंकि ये आपके स्ट्रोंग एसिड होते हैं तो देखो हमने ये कंपाउंड लिया और इसमें फॉर एग्जाम्पल like हमने एच सी एल डाल के देखा तो क्या हुआ देखो एन ए पॉजिटिव जो है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव क्या हुआ एन ए सी एल के साथ मिलकर एन ए सी एल निकल गया तो आपके दोबारा वो जो आपके कोरस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव जो आपके एसिड होते हैं उसी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है

तो इस से कॉल्ड तो बैटरी right रिवर्स नहीं, नहीं लिख सकते ये हिदायत है जब भी आप इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को पढ़ेंगे तो उसके दौरान आप इसको ऐसा ही लिखेंगे आप इसको रिवर्स करके नहीं लिखेंगे रिवर्स कर देंगे तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं चलेगी चलेगी आप एक्सप्लेन भी कर पाएंगे बट दीज आर दी कन्वेंशन उसके बाद जो इधर एंड होता है लेफ्ट साइड के अंदर देखो जो एंड होता है जो पॉजिटिव है ये आपका एनोड होगा एनोड का पहला अक्षर ए वोवल है देखो आपको दिख रहा है तो ऑक्सीडेशन का भी पहला लेटर ओ वोवल ऐसे आप याद करते हैं कि एनोड के ऊपर जो प्रोसेस चलेगी वो क्या होगी ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के ऊपर क्या होता है ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरा जो एंड होगा वो कैथोड होगा कॉन्सोनेंट के साथ कॉन्सोनेंट सी कॉन्सोनेंट है आर भी कॉन्सोनेट है रिडक्शन का तो रिडक्शन प्रोसेस चलेगी मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे उसके बाद हमने देखो कंटेनर के अंदर शो किया कि जो सोल्ट है

गेन करना चाहते हैं लेकिन छोटा साइज किसका है टेबल जो आप पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर हाइड्रोजन है, है फिर लिथियम उससे बड़ा सोडियम उससे बड़ा तो एच पॉजिटिव का साइज आपका क्या है छोटा है इलेक्ट्रॉन तो ये कॉम्पिटिशन में जीत जाएगा और इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन प्रोसेस चलेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा बोलो गेन करेगा अब देखो तो लॉस कौन करेगा हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ेंगे वही रिएक्शन जो हमारे कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के दौरान हमें प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करना है तो क्या लिया बोला हमने सी एस थ्री सीओ नेगेटिव देखो इट अप्रोचेस टूवर्ड्स द

नया बोन्ड बन जाएगा यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच बोलो क्या बन जाएगा यहाँ पे नया बोन्ड तो सीओ टू गैस देखो लॉस हो गई और बन गया कौन आपके मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया सी एस थ्री के पास देखो अपना खुद का अकेला इलेक्ट्रॉन देखो ये रह गया देखो ये इलेक्ट्रॉन ये कौन कहीं पे नहीं गया ये सी एस थ्री के पास ही है तो देखो ये मिथाइल फ्री रेडिकल आपका बन गया जो मिथाइल फ्री रेडिकल्स है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है अनस्टेबल स्पीसी होती है ये तो एक मिथाइल मिथाइल फ्री फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल दूसरे देखो तो आपस में अपना इलेक्ट्रॉन एक एक आपस में देख के देखो स्टेप से ये इधर से इलेक्ट्रॉन देगा ये इधर से देगा हाफ एरो से आप शो करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा देखो तो ये बॉन्ड बन गया और इथेन बन गया सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन तो ये कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म था

तो देखो होगा क्या जब आप इसमें करंट पास करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में देखो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे देखो इसका क्लीवेज होना होता है ओवरऑल इन ब्रीफ अगर आप देखना कि स्टेप में ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो इसका इधर आ जाता है इसका इधर आ जाता है तो बोलो क्या बन जाते हैं इथेन विल बी द प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट बोलो क्या बन जाता है कोल रिएक्शन करते हैं तो आपकी इथिन बन जाती है क्योंकि एक बोन्ड पहले से है कार्बन के बीच एक एक्स्ट्रा नया बॉन्ड बनता है तो इथिन आपके प्रोडक्ट बन गए देखो उसी टाइप से हमने ये कंटेनर लिया एनोड लिया, एनोड के क्या चलेगी कैथोड लिया cathode के क्या चलेगी रिडक्शन और आपके एन ए पॉजिटिव को शो किया उसी टाइप से तो नेक्स्ट ये जो आर सी ओ नेगेटिव है ये अप्रोच करेगा आपके एनोड की तरफ टू लूज द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए क्योंकि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस चलेगी एच पॉजिटिव जाएगा आपके कैथोड की तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये दिख रहा है देखो एच पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनेगा अभी हमने पीछे बताया था एसिडिक नेचर को जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे एच पॉजिटिव विल गेन द इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस द एच एच मिलके हाइड्रोजन गैस तो जो आपकी कैथोड होती है इस कैथोड के, के चारों तरफ जो गैस प्रोड्यूस होनी होती है वो लोग कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं

और जिसकी वजह से दो दो मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस होंगे यहाँ पे किसके लॉस होंगे बोलो कार्बन डाइऑक्साइड के टू टू मोल्स लॉस हो जाएंगे देखो देखो और जो ये बच यहां ये बच गई पे दोनों कार्बन के बीच में देखो ये का क्लिवेज हुआ, देखो ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ इस टाइप से ये बॉन्ड का बोलो क्या हो गया ये क्लीवेज तो ये इलेक्ट्रॉन एक जो रेड बच गया ये इधर आपके कार्बन और इधर ये दूसरा कार्बन लेके आएगा और दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा मीन क्या बन गया आपकी इथिन तो आपने ये देखा कि कोल भी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप एल्केन भी बना सकते हैं इथेन आपने बनाया था और इसी से इथीन भी आपने प्रोड्यूस कर ली अब हम इथाइन भी बना के दिखाते हैं देखो आपको अगर हम ये ले ले कंपाउंड मैलिक एसिड अगर देखो कार्बन कार्बन के बीच देखो इस स्टेप से डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये मैलिक एसिड थी बोलो क्या थी वो सक्सिनिक एसिड था आपने पीछे पढ़ा था ये था मैलिक एसिड बोलो क्या है मैलिक एसिड ले लिया डाइसोडियम सोल्ट उसी टाइप से देखो इनके बीच में भी कार्बोनिल ग्रुप और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है इसका देखो इस से यहां पे भी होना है एक बॉन्ड में देखो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां से फिशन एक इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन इधर लेके आएगा एक इलेक्ट्रॉन इधर तो डबल बॉन्ड तो थे ही अब क्या बन जाएगा बोलो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे बोलो कैसा बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे देखो आपकी इथाइन बन गई यहाँ पे क्या बन गई इथाइन तो उसी टाइप से मैकेनिज्म देखते हैं स्टेप बाय स्टेप

पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लॉस सिमिलरली एच पॉजिटिव और एन ए पॉजिटिव में से इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन गैस विलोड्यूस एज इन द अर्लियर केसेस तो अब हमने देखा कि दोबारा से जब आपकी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस चलती है तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है दोनों ऑक्सीजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोबारा से क्या करेंगे बोलो लॉस फ्रेडिकल देखो बन गया आपका फ्रेडिकल बनने के बाद आपके क्या होगी सीओ टू गैस लॉस होगी देखो होमोलाइटिक फिशन ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा कार्बन अपना ले लेगा ले देखो इस टेप से तो डबल बोर्ड बन गया सीओर के बीच में दोबारा से देखो सीओ टू गैस निकल गई ऐसे ही जो लोअर पार्ट है ऐसे ही जो लोअर पार्ट है उसके अंदर से भी बोलो कौन सी गैस लॉस हो जाएगी यहाँ पे सीओ टू गैस लॉस हो जाएगी ठीक हो गया और बीच में जो आपके बच गए कार्बन कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे दोबारा से देखो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेके आ जाएगा एक ये लेके आ जाएगा दोबारा से बोलो क्या बन गया एक नया बॉन्ड बन जाता है तो आपने क्या ध्यान रखा कि कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके साथ वाला जो कार्बन होता है दूसरे कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होनी होती है तो इस टाइप से आपकी ये इथाइन बन गया यहाँ पे सो दीज आर दी मैकेनिज्म एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम अगर मान लीजिए हमारे पास होता कोई मेलोनिक एस्टर देखो यहाँ पे जो हमने दिखाया है यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है बोलो ये आपका सी एच टू के ऊपर क्या लगा हुआ है दोनों साइड में COOH एच सी ओ एच होता तो ये आपने जो मेलोनिक एस्टर जो लिया है उसके अंदर क्या किया सिर्फ एक जो पार्ट था इसका सिर्फ एक पार्ट वो तो एस्टर फॉर्म में रहने दिया सीओ ओओ सी जो हमने दिखा रखा है जो दूसरा पार्ट था वहां पे हमने सी टू एच फाइव नहीं पे सोडियम सोल्ट है तो इसलिए ये क्या हुआ बोलो

और उसके बाद आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा ये प्रोडक्ट बोलो कैसे बनेगा क्योंकि इसके अंदर तो देखो, जो एक ही एंड है, है, देखो। देखो, है तो ऐसे ऐसे कितने कंपाउंड बनेंगे ऐसे ऐसे दो देखो ऐसे ऐसा देखो ये ये वन पार्ट हो गए वन होगा ऐसे दो मोल यूज होंगे देखो हमने ये दिखा रखा देखो आप ध्यान से देखो ये तो देखो वन पार्ट है देखो ये वन पार्ट है हो गया ना वन पार्ट ये देखो फ्री रेडिकल की फॉर्म में देखो ये फ्री रेडिकल देखो यहाँ पे आएगा ऐसे दूसरा पार्ट देखो ये ऊपर से दिखा दिया हमने सेकंड पार्ट वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया और एक नया बॉन्ड बन गया यही तो हमने बताया था कोल इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में होता क्या है कार्बोनिल वाला कार्बन कौन से कार्बोनिल वाला जो सोल्ट की फॉर्म के अंदर है तो ये सोल्ट की फॉर्म के अंदर तो देखो ये वाला ही एंड है

देखो ये ओ सी टू एच वाई हटेगा और क्या लगेगा यहाँ पे वाटर के अंदर तो दो पार्ट होते हैं एच पॉजिटिव और बोलो दूसरा क्या होता है ओ एच नेगेटिव तो ये ओ ये नेगेटिव है और ये क्या है बोलो ये आपका पॉजिटिव है ठीक हो गया ना तो क्या होगा जब इस बॉन्ड की देखो ऐसे हम क्लीवेज करेंगे फर्दर तो इधर क्या आ जाएगा कन्वर्ट जा एसिड में कन्वर्ट करे? करें किस में कन्वर्ट करें बोलो सक्सीनिक एसिड के अंदर आप इसको कन्वर्ट करें तो देखो आगे ये सक्सिनिक एसिड बन गया आपका देखो ये सी एस टू ये सिंगल बॉन्ड देखो ये सी एस टू हो गया ठीक हो गया ना और ये आगे सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या बन जाएगा बोलो हाइड्रोलिस अगर हम इसकी फर्दर कर देंगे तो ये सी, सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच बन गया ना आपका सक्सीनिक एसिड तो इस टाइप से सक्सीनिक एसिड आपका प्रिपेयर हो गया क्लियर हो गया ना तो इस टाइप से आप कन्वर्जन आपको आने ही चाहिए बिल्कुल सारे तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है फिलहाल अब हम प्रोसीड करते हैं अपने मैकेनिज्म के ऊपर देखो उसी टाइप से हमने क्या किया आपके वही कंटेनर लिया उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगा दी एनोड आपके लेफ्ट हैंड हैंड साइड साइड में उस पे right में ऑक्सीडेशन चलेगी कैथोड राइट रिडक्शन चलेगी पूरे कंपाउंड को हमने आर से ही रिप्रेजेंट किया देखो इस पूरे को तो आर सी ओ नेगेटिव हो गया और वो लोग क्या बन गया ये एन ए पॉजिटिव देखो हमने साथ किया वाटर डाल रखा हमने तो एच पॉजिटिव और ये ओ एच नेगेटिव उसी टाइप से आर करेगा एनोड की तरफ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी

ये कार्बन अपना फ्री रेडिकल लेके आएगा दूसरा कार्बन अपना लेके आएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा और ये बन गया आपका सक्सिनिक सक्सिनिक एस्टर एस्टर क्या बन गया एस्टर बन गया गया बोलो तो ये आपने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेके हमने आपको कोल भी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को शो किया तो इस टाइप से आप अब अच्छे से कोल भी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को समझ गए होंगे नेक्स्ट हम लेते हैं मैकेनिज्म डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का जो आपने देखा था कि किस तरह से इथेनोइक एसिड को आपने मिथेन में कन्वर्ट किया था इथेनोइक एन एच्लिक में सीओ डाला इसके दो मोल यूज होते हैं हमने स्टेप बाय स्टेप आपको पहले ही बता दिया था वहां पे अब हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे आपके मिथेन बन जाता है देखो सीओ टू गैस यहाँ से लॉस होती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी आपकी तो ये कैसे हुआ अब हम मैकेनिज्म देखते हैं तो देखो इथेनोइक एसिड है आपके पास तो इसके अंदर हमने क्या डाला बोलो सबसे पहली से एन क्या है बोलो बेस है तो अब हम इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं तो बेस क्या करेगा बेस वो स्पीसी होती विच डोनेट देयर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी टू द एच एटम अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसी है जैसे वो एच नेगेटिव अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन एच को दे दे तो बेस एच को ना दे के किसी और को दे दे कार्बन को दे दे देखो यहाँ पे ये एच को ना देके अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ओ एच नेगेटिव है ये अपने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी किसको दे देती है बोलो कार्बन को क्योंकि कार्बन के ऊपर भी तो देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है ओ के ऊपर स्लाइट यहाँ पे भी तो दे सकता था लेकिन ये रिएक्शन नहीं चलेगी हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन था ऑक्सीजन इसके लॉन पेरिन इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती रहती है और रेजोनेंस चलने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक जो नेचर है कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास तो इसी कार्बन के थ्रू होती है ना

वो नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनिक के पास आ गए दोनों क्या आ गए ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लिया और जो जो दो डॉट से अगर हम देखो यहाँ पे शो करें एक और एक ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला भी ले लिया वो नेगेटिव बन गया अब क्या होगा आगे देखो ऑक्सीजन अपने दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे फर्दर देखो डोनेट कर देगा यहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता ही अब क्या हो कार्बन के तो देखो पांच बॉन्ड हो जाएंगे ऐसे तो देखो अभी तो चार दिख रहे हैं फिर तो पांच हो जाएंगे एक नया बॉन्ड बनेगा तो फिर क्या करें जो कार्बन कार्बन के बीच में देखो ये ही होगा नहीं तो वैलेंसी कार्बन की कर जाएगी फोर से तो आपने देखा कि गैस निकल गई और ये कार्ब बन बन गए बोलो क्या बन गया आपके कार्ब एनाइन बन गया जो कार्बेनाइन बन गया अब ये तो अनस्टेबल हो गई अब ये क्या करे देखो जो वाटर है जो कार्ब बना है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगी अपने इलेक्ट्रॉन एच को देगा फिर क्या होगा एच को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो एच अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा देखो एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं o, और H के बीच में देखो दो इलेक्ट्रॉन थे यहां पे H को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो एच देगा दोनों इलेक्ट्रॉन की तरफ की तरफ गए ऑक्सीजन कौन रिलीज हो गया यहां पे नेगेटिव OH आयन क्या रिलीज हो गया बोलो ओ एच नेगेटिव आयन तो आपने क्या देखा देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर देखो ओ एच नेगेटिव आयन क्या हुआ था देखो यूज हुआ था यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर और आखिरी स्टेप के अंदर बोलो यहाँ से बोलो कौन निकल गया यहाँ से लास्ट स्टेप के अंदर यहाँ से लॉस हुआ है ओ एच नेगेटिव आयन देखो दोबारा निकल गया

तो यहाँ पे बोलो ये किस चीज का काम कर रहा है का तो पेपर में कई बार आ जाता है कि द कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसमें ये किस चीज का काम कर रहा है यह? आपके कैटलिस्ट का काम करता है तो आपको मैकेनिज्म लिखना होगा मैकेनिज्म से ही तो ये शो होगा कि देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर हुआ है और लास्ट स्टेप के अंदर लॉस हुआ है तो मीन कंसेंट्रेशन आपको प्रूव करनी है कि नेगेटिव OH एन की कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया वो मेंटेन रही वो सेम रही ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन सो द दटलिस्ट मीन एन एच एक्ट द कैटलिस्ट सो थैंक यू